इंटरनेट पर हमने आज तक कई अलग अलग तरह के टैलेंटेड लोग देखे हैं। यूट्यूब पर भी हम कई तरह की वीडियोस देखते हैं, जिसमें कोई ड्राइंग करता है तो कोई सिंगिंग। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका टैलेंट नेक्स्ट लेवल का है। उनका आर्ट देखकर यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान इतना परफेक्ट काम कैसे कर सकता है। आज इस वीडियो में हम इंटरनेट पर मौजूद ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका टैलेंट देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। माइकल ज़ेचकोफ नाम के ये आर्टिस्ट आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। माइकल रशिया के रहने वाले हैं और ये रियलिस्टिक डॉल्स बनाने का वर्क करते हैं। माइकल जब स्टडी किया करते थे तब वो पार्ट टाइम एक पपेट थिएटर में भी काम किया करते थे और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। 2013 में इनकी डॉल्स आर्ट डॉल्स एक्सपोजिशन में शो स्टॉपर बनी, जिसके बाद से ये काफ़ी फेमस हो गए। ये सबसे पहले जो भी डॉल इन्हें बनाना होती है ये उसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये पॉलीमर क्ले से अपनी डॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इनकी डॉल्स 90s के फैशन से इंस्पायर्ड होती है। इन डॉल्स की हर छोटी डिटेल माइकल अपने हाथों से ही बनाते हैं, यहाँ तक कि डॉल्स के शूज़ भी वो अपने हाथों से ही बनाते हैं। इन डॉल्स के हेयर सरन मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल रियल हेयर्स की तरह लगता है। इन डॉल्स की क्लॉथिंग के लिए माइकल सिल्क, एंटिक फ्रेंच लेस और वॉयल मटेरियल का यूज़ करते हैं। इन डॉल्स को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये डॉल्स हैं, ऐसा लगता है कि ये कभी भी मूव करने लगेंगी। इन डॉल्स को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए ये जब डॉल का माउथ क्लोज हो तब भी ये डॉल्स के दांत बनाते हैं, जो कि सभी डॉल आर्टिस्ट नहीं करते हैं। अगर ये डॉल की एज ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो ये उस हिसाब से डॉल्स के फेस पर रिंकल्स भी बनाते हैं, जिससे कि डॉल में और भी रियलिज्म आ सके। ऐसा आर्ट सिर्फ एक एक्सपर्ट ही बना सकता है, क्योंकि जब मैंने इसे ट्राई करने की कोशिश की तब ये मुझसे कुछ ऐसा बना। टॉक यूजर 5014008 एक कमाल के स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं। इस चैम्बर कवर पर आप इनका आर्ट देख सकते हो। पहले तो इन्होंने इस चैम्बर कवर को एक फ्राइंग पैन बना दिया, फिर ये इस कवर पर एक एग की पिक्चर ड्रॉ करने लगे, जो कि कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल रियल एग की तरह ही दिख रहा है। टिकटॉक की इस वीडियो में सेनमोज हैंग नाम के इस आर्टिस्ट ने एक रबर और एक नाइफ के साथ एक स्टैम्प कैसे बना सकते हैं ये बताया है, जिसमें पहले वो एक रबर पर एक स्टिकर से डिज़ाइन प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद लाइंस और कर्व्स को फॉलो करते हुए वो रबर की कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और एक स्टैम्प क्रिएट कर लेते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे आप भी ट्राई कर सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज बुक चैनल को, और जरूर क्लिक करें पास में इस बेल आइकन पर, नहीं तो आपका सब्सक्राइब करना वेस्ट हो जाएगा। ये वीडियो आप स्टेका नाम के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ये भी एक रशियन आर्टिस्ट हैं जो कि यूट्यूब पर क्ले स्कल्पटिंग करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि स्टेका क्ले से इस मॉडल को बनाने की शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत में ही ये पता चल जाता है कि ये एक बॉडी बिल्डर का मॉडल बना रहे हैं। ये इस मॉडल की स्कल्पटिंग बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं, और जो फैंस हैं वो ये बॉडी देखकर समझ गए होंगे कि ये किसका मॉडल है। ये बॉडी बिल्डिंग के एक लेजेंड अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, जो कि उन्होंने 1984 के टाइम के अर्नोल्ड को बनाया है। इस मॉडलिंग में स्टेका ने बहुत ही बारीक डिटेल्स का भी ध्यान रखा है। उन्होंने सभी मसल्स को उसी तरह डिजाइन किया है जैसे कि वो रियल में थे, और यहाँ तक कि उन्होंने वेंस को भी बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया है। अर्नोल्ड के फेस से लेकर उनकी पूरी बॉडी इन्होंने बिल्कुल सेम बनाई है, और लास्ट में फिनिशिंग करने के बाद ये मॉडल तैयार होने पर बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगता है। आपको इन सभी आर्टिस्ट में से किसका आर्ट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और इससे ज्यादा शेयर करना।